जनता को बीमारियों से छुटकारा दिलवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लाख कोशिश करती आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बरतने के कारण स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ 120 बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही एक मामला फतेहपुर सीकरी के गांव दूरा का सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम के लिए बनाया गया है। अस्पताल में ना ही कोई डॉक्टर आते हैं और ना ही दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अस्पताल में हंगामा करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि अगर 7 दिनों के अंदर अस्पताल की व्यवस्था को नहीं सुधारा गया तो ग्रामीण अस्पताल पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। ब्लॉक फतेहपुर सीकरी के ग्राम दूरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों का स्टॉक मौजूद नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा चौथे आसमान पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा प्रदर्शन कर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। अस्पताल की लापरवाही से परेशान होकर ग्रामीण CMO को फोन लगाते रहे, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर LT शंकरलाल सफाई कर्मचारी सतीश कुमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलते हैं, लेकिन यहां पर दवा वितरण करने वाला कोई भी कर्मचारी नहीं। यहां पर ना ही कोई डॉक्टर, ना ही फार्मासिस्ट और ना ही कोई वार्ड बॉय तैनात है। स्वास्थ्य विभाग जनता के साथ जमकर खिलवाड़ करने में लगा है। मरीज आते हैं और निराश होकर लौट कर चले जाते हैं। इसी कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। इस बात की गांव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो समाज सेवियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर देखा तो वहां वास्तविक अस्पताल की लापरवाही साफ नजर आ रही थी। सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र को खोलकर बैठ गए थे। अस्पताल स्टाफ कमरों का ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा, यहाँ दवाई देने वाला कोई नहीं है, स्टाफ ही नहीं है। इसको लेकर समाज सेवियों ने अस्पताल पर 1 घंटे तक हंगामा किया। समाज सेवियों ने कहा कि यहां पर डॉक्टर, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय अति शीघ्र तैनात किए जाएं। बरसात का मौसम है, क्षेत्रों में अनेक प्रकार की बीमारियों की आशंका बनी हुई है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग लोगों के साथ जमकर खिलवाड़ करने में लगा हुआ है। हम इस तरह की लापरवाही नहीं होने देंगे। यदि 7 दिनों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूरा स्टाफ तैनात नहीं किया गया तो आने वाले बुधवार को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अचनेरा से ईशु चनानी की रिपोर्ट। जनता दुखी है। कहाँ के निवासी हो? जिस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपने अभी धरना प्रदर्शन किया है, क्या कारण है आपका, क्या मांगे हैं आपकी? सर, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में जो है स्टाफ है नहीं पूरा, जो है जी डॉक्टर तैनात नहीं है जी, और यहाँ पे आम जनता को जो है इलाज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जी। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पूरे स्टाफ की तैनाती की जाए जी, और जिससे समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था कायम हो सके। यहाँ पे मरीज आते होंगे तो उनको भटकना काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता होगा इस तरह से? तो आते हैं जी, उनको वापस लौटना पड़ता है जी। अब यहाँ से आगे धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएंगे। आपकी ये संदेश जाएगा कि हॉस्पिटल में कोई आता ही नहीं है, हॉस्पिटल बंद है। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।